अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। चलिए दोस्तों, लेके आ गए हूँ आप लोगों के लिए एक और ज़बरदस्त वीडियो। और आज हम आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं सैमसंग की इस A12 डिवाइस का चार्जिंग टेस्ट। इस डिवाइस के ऊपर मैंने पबजी को रन किया था और फुली ड्रेन कर दी है इस डिवाइस की मैंने बैटरी को। मैं आप लोगों को ऑन करके भी दिखा देता हूँ। तो डिवाइस की जो बैटरी है वो फुली ड्रेन हो चुकी है और ये जो चार्जर है ना कंपनी की तरफ से आप लोगों को आउट ऑफ बॉक्स वो 15 वोल्ट का मिल जाता है। तो इस चार्जर के साथ हम इस बैटरी को चार्ज करके देखेंगे कितनी देर के अंदर जो है ना डिवाइस 100% चार्ज हो जाती है। तो ये मैंने ऑन भी किया और ये ऑन नहीं हो रही, तो इस वक्त फुल डेड पे हो गया भाई। ऑन होता है मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, फुल बंद हो जाएगा। और दूसरा मैंने यहाँ पे डिवाइस इसलिए रखी हुई है कि इसके अंदर हम स्टॉपवॉच को ऑन करेंगे और चेक करेंगे कितनी देर के अंदर जो डिवाइस है ना वो 100% चार्ज हो जाती है। अब ये चार्जर को मैं तब तक प्लग इन कर देता हूँ और इसके साथ लगा देता हूँ, देखते हैं कितनी देर के अंदर जो है ना ये हमें चार्ज करके देते हैं हमारे मोबाइल को। अब यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है और इसकी चार्जिंग मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितने परसेंट चार्ज है। ये देखिए यहाँ पे आप लोग देखें सबसे पहले चार्जर को, ये आई थिंक दोबारा ऑफ हो गया है। ये देखें ये दोबारा ऑफ हो गया है, फ़ोन दोबारा ऑफ हो गया। अब ये मैं चार्जर के साथ प्लग इन करने लगाऊँ, आप लोगों को टाइप सी की पोर्ट मिलती है तो यहाँ पे मैंने लगा दी है इसको, ये भी डिटेक्ट भी कर लेगा। यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि चार्जिंग का साइन आ चुका है। आप देखते हैं कि कितनी देर के अंदर ये जो है ना डिवाइस को 100% चार्ज करता है। मैं स्टॉप वॉच भी यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ, ये मैंने स्टॉप वॉच ऑन कर लिया। काउंटिंग आपके सामने शुरू हो चुकी है, 0% इसका डिवाइस की बैटरी है। चार मिनट का टाइम गुजर चुका हुआ है, देख लेते हैं कि डिवाइस कितने परसेंट चार्ज हुई है। तो आप देख सकते हैं कि 4 मिनट के अंदर डिवाइस जो है ना वो 3% चार्ज हुई है। तकरीबन 10 मिनट तक का टाइम गुजर चुका हुआ है, हम देख लेते हैं कि अब डिवाइस कितने परसेंट चार्ज हुई है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त जो डिवाइस है वो 8% चार्ज हुई है। 10 मिनट के अंदर डिवाइस आप लोगों को 8% की चार्जिंग पार्ट करती है, 0 से हमने शुरू किया था। 4 मिनट के अंदर 30% आप लोगों को चार्जिंग देखने को मिली थी और 10 मिनट के अंदर 8% इस वक्त चार्ज हुई है। तकरीबन ये कुछ 15% चार्ज हो जाए उसके बाद हम इसकी स्क्रीन को ऑन कर लेंगे। तकरीबन 20 मिनट तक का टाइम गुजर चुका हुआ है, अब हम देख लेते हैं कि डिवाइस कितने परसेंट चार्ज हुई है। 20 मिनट के अंदर जो डिवाइस है वो 17% चार्ज हो चुकी हुई है। 4 मिनट के अंदर डिवाइस 3% चार्ज हुई थी, 10 मिनट के अंदर डिवाइस 8% चार्ज हो चुकी हुई थी और 20 मिनट के अंदर डिवाइस 17% चार्ज हो चुकी हुई है। अब हम इसको ऑन कर लेते हैं और बाकी चार्जिंग हम ऑन करके करेंगे। सो वेल, 30 मिनट तक का टाइम गुजर चुका हुआ है, अब हम देख लेते हैं कि डिवाइस कितने परसेंट चार्ज हो गई है। तो इस वक्त जो डिवाइस है वो 25% चार्ज हो चुकी हुई है। 30 मिनट के अंदर डिवाइस 25% चार्ज हुई है और यहाँ पे नीचे शो हो रहा है कि हमें तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट लगेने वाले इसको मजीद डिवाइस को 100% चार्ज होने में। तो एक छोटा सा रीकैप दे दूँ आप लोगों को कि डिवाइस को 4 मिनट के अंदर 3% की चार्जिंग रिसीव हुई, 10 मिनट के अंदर जब हमने चेक किया तो 8% चार्जिंग थी और 20 मिनट के अंदर डिवाइस 17% चार्ज हो चुकी हुई थी। और जब अब हमने 30% के ऊपर चेक किया, 30 मिनट के ऊपर चेक किया तो डिवाइस 25% चार्ज हो चुकी हुई थी। देखते हैं कि लेट्स सी कि और कितनी देर ये मज़ीद टाइम लेता है डिवाइस को 100% चार्ज करते हैं। वेल, 1 घंटे 10 मिनट से ऊपर का टाइम गुजर चुका हुआ है, हम डिवाइस को चेक कर लेते हैं कि डिवाइस कितने परसेंट चार्ज हो चुकी हुई है। तो इस वक्त जो डिवाइस है वो 59% चार्ज हो चुकी है। 1 घंटे 10 मिनट के अंदर डिवाइस 59% चार्ज हो चुकी है। अभी यहाँ पे जो हमें नोटिफिकेशन आया फ़ोन के मुताबिक तो मज़ीद 1 घंटा और लगने वाला है इस डिवाइस को फुल चार्ज होने में। तो हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में इस डिवाइस को कितनी देर लगती है फुल चार्ज होने में। वेल, 1 घंटे 30 मिनट से ऊपर का टाइम गुजर चुका हुआ है, हम देख लेते हैं कि डिवाइस कितने परसेंट चार्ज हो चुकी हुई है। तो इस वक्त डिवाइस 76% चार्ज हो चुकी है और 44 मिनट का टाइम ये मज़ीद और मांग रहा है डिवाइस को फुल चार्ज होने के लिए।
दो घंटे दो मिनट का टाइम गुजर चुका हुआ है। हम चेक कर लेते हैं कि डिवाइस कितने परसेंट चार्ज हो चुकी है। तो अभी तक जो डिवाइस है वो 95% चार्ज हो चुकी हुई है। 10 मिनट्स का यहाँ पे टाइम रिमेनिंग और बताया जा रहा है। तो लेट्स सी देखते हैं कि डिवाइस और कितनी देर के अंदर जो है ना 100% चार्ज होती है, मजीद कितना टाइम लेती है डिवाइस 100% चार्ज होने में। 2 घंटे 15 मिनट से काफ़ी ऊपर टाइम गुजर चुका हुआ है। हम चेक कर लेते हैं कि डिवाइस अब कितने परसेंट चार्ज हो चुकी हुई है। वेल, डिवाइस फुली चार्ज हो चुकी है। अब मैं इसको पावर से उतार रहा हूँ और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको साइन आ गया था डिवाइस 100% फुली चार्ज हो गई है। मैं आपको इसकी चार्जिंग भी चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइस 100% चार्ज हो चुकी है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि कितनी देर के अंदर जो है ना डिवाइस को हमने 100% चार्जिंग पे दे पाया। 4 मिनट के अंदर जब आप लोग चार्ज करते थे तो 3% की चार्जिंग मिली हमें। 10 मिनट के ऊपर 8% तक डिवाइस चार्ज हो चुकी थी। 20 मिनट में 17% तक चार्जिंग हुई। 30 मिनट पर 25% तक डिवाइस चार्ज हो चुकी थी। पर हमने उसके बाद 1 घंटे 10 मिनट पर चेक किया तो डिवाइस 59% तक चार्ज हो चुकी हुई थी। फिर हमने 1 घंटा 30 मिनट के ऊपर डिवाइस को चेक किया तो वो 76% चार्ज हो चुकी थी। और 2 घंटे 2 मिनट के ऊपर 95% चार्ज हो चुकी थी। और 2 घंटे 15 मिनट के ऊपर डिवाइस 100% चार्ज हो चुकी है। तो आप लोगों को कुछ 2 घंटे 15 मिनट का टाइम लगता है इस डिवाइस को फुली 100% चार्ज करने में। होपफुली आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। कैसे लगे आप लोगों को आज के चार्जिंग टैक्स, कोई भी कमी है कोई भी वीडियो के अंदर हमें और बेहतरी करनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब मुझे जात मैं हूँ मोहसिन नकवी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।